नमस्कार साथियों, तो हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे मध्य प्रदेश की सिंचाई के बारे में। अब इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। मध्य प्रदेश की जलवायु देखते हैं। ठीक, पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश की जलवायु भी पूर्णतः मौसमी अर्थात मानसूनी है। स्वरूप है इसका उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु बंगाल की खाड़ी सिस्टम से। तापमान की बात करें तो औसत है 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रीष्म का ऋतु में 14 डिग्री सेंटीग्रेड है शीत ऋतु में। अधिकतम तापमान गंजबासौदा शताब्दी आधारित बड़वानी में विगत वर्षों से लगातार लगभग 46 डिग्री। न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिवपुरी में। वर्षा की बात करें, वर्षा का समय है जून सितंबर। शाखा बंगाल की खाड़ी से मुख्य रूप से और अरब की खाड़ी से न्यून रूप से होती है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से। औसत बात करें तो औसत वर्षा होती है 110 से 112 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा होती है 140 से 165 सेंटीमीटर पूर्वी मध्य प्रदेश में। न्यूनतम तो 75 सेंटीमीटर से कम पश्चिमी मध्य प्रदेश में। तो याद रखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 140 से 165 सेंटीमीटर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पचमढ़ी, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है शिवपुरी। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में। न्यूनतम होती है शिवपुरी में। अब बात करते हैं आगे मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में। मध्य प्रदेश में तीन ऋतुएं होती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु की बात करें तो राज्य में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु पाई जाती है। कब? नवंबर से फरवरी तक। इस ऋतु में सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है, अतः मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्व से लौटने लगती हैं, जिससे मध्य प्रदेश का तापमान कम होने लगता है। इस ऋतु में मध्य प्रदेश का औसत तापमान 20.9 डिग्री सेंटीग्रेड से 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। इस ऋतु को स्याला भी कहते हैं। शीत ऋतु को क्या कहते हैं? स्याला भी। शीत ऋतु में मध्य प्रदेश की उत्तरी भागों में तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, जबकि दक्षिणी भागों में 18 सेंटीग्रेड से 21 सेंटीग्रेड के मध्य होता है। आगे बात करते हैं, इस ऋतु में कुछ वर्षा भी होती है, इसे लोग मावट कहते हैं इस वर्षा को। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। इस ऋतु में तापमान मार्च से जून तक लगातार बढ़ता जाता है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर तक और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है। जून माह में से राज्य के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भागों में दिन का उच्चतम तापमान 42 सेंटीग्रेड होता है से अधिक होता है। इस मौसम में मानसूनी हवाएं समुद्र से थल की ओर चलने लगती हैं। वायुमंडल में नमी कम होती है एवं धूल भरी हवाएँ अधिक होती हैं। इस ऋतु को ग्रीष्म ऋतु को क्या कहते हैं? उनाला। स्याला कहते थे शीत ऋतु को और उनाला कहते हैं ग्रीष्म ऋतु को। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। कौन सी है वर्षा ऋतु? राज्य में मध्य जून से लेकर सितंबर तक, जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। राज्य में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों की ही शाखाओं से होती है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई तथा अगस्त माह में होती है 75 सेंटीमीटर। प्रदेश में वर्षा की मात्रा सभी स्थानों पर समान नहीं है। उदाहरण के लिए पश्चिमी मध्य प्रदेश के 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग के बीच महादेव की पहाड़ी पर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिम की अपेक्षा औसत 75 सेंटीमीटर, पश्चिम की अपेक्षा पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा अधिक होती है।
पचमढ़ी की महादेव पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है और सबसे कम होती है ग्वालियर में, ठीक है। इस ऋतु को चौमासा कहते हैं। याद रखना, शीत ऋतु को क्या कहते हैं? स्याला। शीत ऋतु को स्याला कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु को उनाला कहते हैं और वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं। राज्य में न्यूनतम तापमान वाला स्थान शिवपुरी है तथा अधिकतम तापमान वाला विदिशा है। वर्ष 2002 में सबसे कम तापमान उमरिया का रहा। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने वाली ऋतु साल वेधशाला कहाँ है? इंदौर में। याद रखिए, ऋतु वेधशाला कहाँ है? इंदौर में। चलिए, तो ये था हमारा मध्य प्रदेश की जलवायु। अगले लेक्चर में बात करेंगे मध्य प्रदेश के उद्योग एवं व्यापारों के बारे में, ठीक है।